नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, शतरंज में कहते हैं कि अगर आपको प्यादों का खेल आ जाए तो आपको काफी हद तक शतरंज आ गई। दरअसल प्यादों के खेल से मेरा मतलब पॉन ब्रेक से है। जी हाँ, पॉन ब्रेक शतरंज में वो विधा है जो हर कोई सीखना चाहता है, और अगर आपको इसमें महारत आ जाए तो कई बार आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे खेल में जहाँ पर आपको लगभग बराबरी लग रही थी, आपको बढ़त हासिल हो जाए। पॉन ब्रेक मतलब प्यादों को आप प्यादों से टकराना। ये ओपनिंग में भी होता है, ये मिडिल गेम में भी होता है, लेकिन अगर ये एंड गेम में जाकर के होता है तो कई बार वो प्यादा जो होता है वजीर बनकर के सामने आता है। तो कैसे प्यादों की इस लड़ाई जो है इसमें आप अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो की सीरीज़ में हम लगातार पॉन ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत एंड गेम के पॉन ब्रेक से करेंगे, फिर आगे चल करके जो है हम मिडिल गेम के पॉन ब्रेक्स के बारे में भी जो है डिस्कशन करेंगे। तो शतरंज के ये जो प्यादे हैं, आप सफ़ेद से खेल रहे हों या काले से खेल रहे हों, अगर आपको पॉन ब्रेक अच्छे से आते होंगे तो आप बहुत अच्छा अपने खेल में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन पॉन ब्रेक के एग्जाम्पल से। तो आप ये जो पोजीशन इस समय बोर्ड पर देख रहे हैं दोस्तों, ये एक किंग पॉन एंड गेम है, जहाँ पर आप देखिए सफ़ेद का राजा जो है वो जीवन के स्क्वायर पर रखा हुआ है, जबकि उसके जो प्यादे हैं वो पांचवें खाने पर बैठे हुए हैं, और उनके ठीक पैरेलल उसके ठीक सामने सातवें खाने पर जो है वो काले मोहरे के जो है तीन प्यादे बैठे हुए हैं, उसका राजा भी जो है G3 पे बैठा हुआ है। तो अगर देखें तो राजा की स्थिति जो है काले की वो काफ़ी बेहतर है, चार यहाँ पर सफ़ेद की। अगर सफ़ेद सामान्य तौर पर खेलने की कोशिश करें, मान लीजिए किंग को मूव करने की कोशिश करें लगातार, तो ब्लैक जो है धीरे धीरे आकर के इन पॉन्स को जो है यहाँ पर मार देगा और वाइट हार जाएगा। तो एक बात साफ है कि यहाँ पर सफ़ेद को जो है प्यादे ही चलने होंगे, और अगर सफ़ेद सामान्य चाल चलता है जैसे खेलता है F6, तो ब्लैक इस प्यादे को मार देगा और सफ़ेद इस प्यादे को मारेगा, और उसके बाद काला फिर से अपने राजा को धीरे धीरे ला करके इन प्यादों को मार लेगा। तो एक बार फिर से काला जो है इसमें जीत जाएगा। तो सफ़ेद ऐसा क्या कर सकता है पॉन ब्रेक के जरिए कि ये मैच जो है उसके पास आ जाए। पॉन ब्रेक में कई बार जो है टैक्टिकल कॉम्बिनेशन बहुत काम करते हैं, और ख़ासतौर पर जब प्यादे जो हैं पहले खाने से पांचवें खाने पे पहुंच जाएं, तो इनकी जो वैल्यू होती है, जो इनकी आप क्षमताएं बोल सकते हैं हम इनको, काफ़ी बढ़ जाती है। और जो वो एक अंक का प्यादा होता है, दरअसल वो एक अंक का नहीं रह जाता, क्योंकि जैसे ही ये प्यादा दो घर के बाद तीसरे घर पर वजीर अगर बन जाए तो कितना पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक चाल आती है पॉन ब्रेक की, वहाँ पर सफ़ेद जो है वो खेलता है B6। अब B6 खेलने से दरअसल यहाँ पर क्या होगा कि ब्लैक के दो प्यादे जो है हमारे आक्रमण पे हैं, और अगर ब्लैक कुछ ना करे, राजा को चले तो हम इसमें से कोई भी प्यादे को मार करके अगली चाल में अपना जो प्यादा है वो वजीर बना लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि काले को यहाँ पर जवाब तो देना ही होगा, काला आगे भी नहीं बढ़ सकता कि एक आध प्यादे को आगे बढ़ दे, क्योंकि दो प्यादे आक्रमण पर हैं तो दूसरा प्यादा जो है वो मारा जाएगा। तो ऐसे में काले मोहरे से खेल रहे खिलाड़ी को डिसीजन तो लेना पड़ेगा और प्यादे को मारना पड़ेगा। अब वो चाहे इस तरफ से मारे या इस तरफ से मारे, मतलब AB6 मारे या CB6 मारे, तो मान लीजिए A×B6 मारते हैं। और अब यहाँ पर आती है चाल जो कि आपको सीखनी है। यहाँ पर देखिए जो B7 का प्यादा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो कौन सा प्यादा हटाया, अभी ए वाला प्यादा हटाया, तो ए वाला प्यादा तो अब रास्ता नहीं रोक सकता यहाँ पर जो था, अब सिर्फ बी वाला प्यादा जो है वो A5 वाले पॉन का रास्ता रोक रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव आती है सफ़ेद की तरफ से C6। तो एक पॉन अभी सेक्रीफाइस दिया, दूसरा पॉन दिया। अब यहाँ पे समस्या ये है कि ब्लैक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, इस प्यादे को मारना होगा, क्योंकि वरना ये प्यादा आगे आएगा और फिर क्वीन बन जाएगा। तो जैसे ही ब्लैक इसको मारेगा तो ये जो पॉन है वो क्वीन के लिए आगे निकल आएगा, और अब वो जो प्यादा है वो रुकने वाला, ब्लैक के प्यादे बहुत दूर हैं, अगर ब्लैक आगे बढ़ता भी है तो ये प्यादा जो है बहुत जल्दी जो है वजीर में बदल जाएगा और फिर ये प्यादे जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, इस पर एक और हम ऑप्शन देख सकते हैं कि अगर सफ़ेद जो है जब B6 खेलता है और अगर ये C×B6 मार लें तो क्या होगा, तब ये वाला रास्ता अब हमको साफ करना है। तो एक प्यादा यहाँ से हटा है, अब यहाँ पर सेक्रीफाइस आएगा, A6 मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और एक बार फिर से जो है ये प्यादा जो है अब वजीर जो है यहाँ पर बन करके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है पॉन ब्रेक का कमाल। अगर पॉन ब्रेक आप ठीक तरह से चलना सीख जाएं तो पॉन ब्रेक जो है आपको हारा हुआ मैच भी जो है जिता सकता है।
पॉन ब्रेक्स ओपनिंग से लेकर के मिडिल गेम, एंड गेम सब जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन एंड गेम में जाकर के बहुत ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पॉन ब्रेक का मतलब जो होता है सही तरह से पॉन ब्रेक लेना मतलब प्यादे को वजीर बना देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। उम्मीद करता हूं पॉन ब्रेक की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएँ। जुड़े रहें हिंदी चेस बिज़ इंडिया से। चेस बिज़ इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।